जैसा कि आप जानते हैं, भगवान शिव का प्रिय महीना सावन आज से शुरू हो गया है। सावन के महीने को श्रावण मास भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यता है कि सावन के महीने में ही भगवान शिव का माता पार्वती के साथ पुनर्मिलन हुआ था। कहा जाता है कि इस माह में भोलेनाथ को मनाना बहुत आसान होता है। इस कारण हर भक्त तमाम तरीके आजमाकर महादेव की कृपा पाने का प्रयास करता है। इसी तरह सावन के महीने में ही कांवड़ यात्रा भी निकाली जाती है। कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्त गंगा नदी से पवित्र जल भरते हैं और लंबी यात्रा करके शिव जी को जल अर्पित करते हैं। इस दौरान श्रद्धालु कांवड़ को जमीन पर नहीं रखते और इस तरह से कांवड़ यात्रा करने वाले भक्त कांवड़िया कहलाते हैं। कहा जाता है कि इससे महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्त की हर कामना को पूरा करते हैं। वहीं इस साल कांवड़ यात्रा 4 जुलाई से शुरू होकर 31 अगस्त तक चलेगी, क्योंकि इस बार सावन एक महीने का नहीं बल्कि 2 महीने का होगा। तो ऐसे में चलिए जानते हैं कैसे हुई थी कांवड़ यात्रा की शुरुआत और क्या है इसका महत्व और इसके नियम। बता दें, वैसे तो कांवड़ यात्रा को लेकर कई तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि सबसे पहले त्रेता युग में श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए कांवड़ यात्रा की थी। वे माता पिता को कांवड़ में बिठाकर हरिद्वार ले गए थे और वहां जाकर उन्होंने माता पिता को गंगा में स्नान करवाया और वापस लौटते समय श्रवण कुमार गंगा जल लेकर आए और उन्होंने और उनके माता पिता ने इस जल को शिवलिंग पर चढ़ाया, तभी से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा कुछ लोगों का मत है कि सबसे पहले भगवान परशुराम ने गढ़ मुक्तेश्वर से गंगा जल भरकर शिवलिंग पर चढ़ाया था, इसके बाद कांवड़ यात्रा शुरू हो गई। और अगर कांवड़ यात्रा के नियम के बारे में बात की जाए तो आज के समय में कांवड़ यात्रा कई तरह से निकाली जाने लगी है, लेकिन वास्तव में कांवड़ यात्रा पैदल की जाती है और यात्रा के दौरान भक्तों को कड़े नियमों का पालन करना होता है। कांवड़ यात्रा के दौरान भक्तों को सात्विक भोजन करना होता है और मांसाहार और शराब आदि के सेवन से बचना होता है। रास्ते में कहीं भी कांवड़ जमीन पर नहीं रखी जाती है। विश्राम के समय भी कांवड़ को पेड़ पर लटकाना होता है। अगर कांवड़ को नीचे रखा तो उसका उद्देश्य सफल नहीं हो पाता। ऐसे में दोबारा गंगा जल भरकर यात्रा शुरू करनी पड़ती है। कांवड़ यात्रा के दौरान आपने जिस मंदिर में अभिषेक करने का संकल्प लिया है वहां तक आपको पैदल चलकर जाना होता है। कहा जाता है कि कांवड़ यात्रा नियमों के साथ पूरी करने पर मन्नत जरूर पूरी होती है। हमारे इस वीडियो पर आप भी अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी जानकारी जानने के लिए आज ही INN डिजिटल मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें।